जवान टोली बैठी है ना, अड़े इन्हें रागनी रुगनी सुननी हो तो मेरे पाछे जाए, पाछे सारी रात सुनियो, मैंने कोई हो नहीं। लेकिन अब 5-7-10 मिनट मेरी भी बात आराम से सुनना। एक तो जो हमारे गौशाला वाले हैं, क्योंकि नेता लोग पहले अपना भाषण देते हैं, फिर न्यू कहें ये इतने पैसे मैंने दे दिए, यो काम करा दिया, यो करा दिया। ये राजपाल जी और दूसरे जो गौशाला कमेटी के डेरा बाबा लाठेवाड़ा गौशाला की जो कमेटी है, उसके सारे साथियों को मैं एक बात समझा दूं। इन्हें 4 बात लिखी है। एक तो ये लिखी है कि हमारे गांव में ना ये गौशाला में एक ऐसा ट्यूबवेल लगाया जाए, वो भी 1200 फुट पे लागो, चाहे 1100 पे लागो, चाहे 1500 पे लागो। एक तो ट्यूबवेल की मांग करी है, जिससे पीने के पानी की समस्या हल होगी। और दूसरा, ये जो नेशनल हाईवे है, इस पर न्यू कहें कि हमारे गौशाला के आगे राह छोड़ना चाहिए। राह छोड़न का दोनों बात है, एक्सीडेंट घने भी होने लग जाए, अरमन करे थोड़े भी हों, तो ये तो आपके हिसाब से ये है कि राह अगर कट कर दिया तो शायद एक्सीडेंट थोड़े हो जाएंगे, और मेरे हिसाब से ये है कि घने भी हो सके हैं। और दूसरी बात, बरसात में धूप से बचाव के लिए 7 गौशाला शेड। भाई इसके लिए तो मैं अपना जो मेरा सरकारी फंड है 5 करोड़ रुपया मिलता है साल में, 21 लाख रुपए मैं अपने फंड से इसके शेड बनवाने के लिए दूंगा। और जो ये, अरे न्यू अलानते थोड़े, मैं 21 दिला फिर क्या कर लेगा, मेरी पूरी बात तो सुनता नहीं, ऐसे नहीं है। अगर आपको न्यू को धक्के तो थोड़ा हुआ, ऐसे नहीं करते। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप समझते नहीं। ये मैं 5 करोड़ दे जाऊं तो सारे हरियाणा में सारा साल मैंने तो ऊँ दिखाए फिरेंगे, एक तरह पीछे तो है नहीं, तेरे क्या करेगा। तो इसलिए ये भी हम बांट के देते हैं, ऐसे नहीं है। और ये नई गौशाला बनी है, और सुन ले, ये जो हाथ लाओ था, सुन ले मेरी बात, ये जो शेड है इसमें पहला मैंने कह देते और बना लियो, मैं लोहे का मंत्री हूँ, ये शेड मैं बहुत पैसा लागे, लोहा आजकल बहुत महंगा है, मेरे द्वारा आ जाइयो, इसमें भी 2 लाख की बचत करवा दूंगा, ऐसी बात है, समझे। तुम तो नहीं सोचो सारा नकद दो, नहीं थोड़ा हुआ। तो इसलिए जो काम बिना नकद के भी सोच लिया करो, कि लोहे का मंत्री मैं जिसने कहूंगा भाई के वादे है, अगले कहेंगे जी 42,000 रुपये टन, मैं कह दूंगा ना तारे बचत है, थोड़े कम करो, 1 टन में अगर 5-7 हज़ार रुपये की भी बचत होगी तो यहाँ तो 1,000 टन लोहा लगना है, हिसाब ला लो कितना बनेगा। तो इसलिए सारी बातें बुद्धि से सोचो, दिल से सोचने से तो कह तो नहीं करोगे है, और कह नहीं कह दोगे है, ऐसे नहीं होता। तो आपके जो भी 7 शेड बनाने की बात करी है, जो लोहे के बनेंगे, उसमें भी आपकी मदद करेंगे, और 21 लाख रुपए मैं वैसे दूंगा। फिर दूसरी बात यह है कि हमारे ये एक मांग आपने रखी है कि पेट्रोल पंप गौशाला में, गौशाला में पेट्रोल पंप का क्या करोगे आप पूछो, कह तो न्यू कहो अग भाई तारे में 50-100 ट्रैक्टर हो, फिर तो नहीं कहा मारा पेट्रोल पंप ले रहा होना चाहिए, जितना ये बसा वाले है ना, इनके डिपुआ में इनके अपना है पेट्रोल पंप है, बाकी ऊँ न्यू कहते हो कि हमारे पड़ोस में कितने पेट्रोल पंप लो आ जाओ, वो मेरे पास दिल्ली आ जाइयो लो आ जाएंगे, बतेरे पेट्रोल पंप ला के तारा भी 1 लाख जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, पेट्रोल पंप तो या तो गौशाला न्यू कहेगा हमने दे दो, हाँ आप पेट्रोल पंप चलाओगे
गौआ की सेवा करोगे तो इस नहीं नहीं सोर्स ऑफ इनकम तो ये सोर्स देखो गौ माता की हमारे देश की सभ्यता संस्कृति ऐसी है कि हम सब चीज छोड़ के गौ माता को श्रेष्ठ मानते हैं और इसीलिए गौओं की सेवा के लिए आजकल तो नई नई गौशाला भी ये भी नई है आपकी गौशाला। आप ऐसे करो कोई मेडिकल कॉलेज शुरू कर दो उसमें 20-30 करोड़ रुपये आई साल कमाए जा सके हैं और फिर गौओं की सेवा भी करो। और एक बात राजपाल जी ने कही वह भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, गौशाला बनाने का दो आपके लक्ष्य होने चाहिए, एक तो ये कि जो लंगड़ी लूली अंधी बीमार गौएं हैं उनकी हम यहाँ ला के सेवा कर सकें, और दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम ऐसी गौशालाएं बनाए ऐसी गौएं रखें वहां जिससे गौशालाओं की आमदनी बढ़े। नस्ल सुधार की बात गौशाला में देखिए, आपने 100 साल से ज्यादा क्या तो मैं बता सकूं, बाकी आपको ज्यादा पता है, जो चीज फायदे की होगी आदमी उसको मानता है। मैंस दूध दे 10 किलो 12 किलो 14 किलो, गौ दूध दे 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो, तो लोगों में ये आहिस्ता आहिस्ता जो श्रद्धा थी जो हमारे संस्कार थे उनसे हटके हम ये सोचने लगे कि गौ को रखा तो फिर इसका घना फायदा तो नहीं। पहले फायदा क्या था कि बैल किसान को खेती के लिए बैल चाहिए, हल चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, और इतनी श्रद्धा थी कि आपस में सौ भी खाया करते तो न्यू खाया करते गौआ की सौ ई वो गौआ आड़ी जो बैल तो रहे नहीं ई ट्रैक्टर आ गए कहते कोई न्यू क्या ट्रैक्टर की सौ। ये समझने वाली बात है कि गौ की जो संज्ञा है वो हमारे मन में इस बात का प्रतीक है कि ये ऐसी चीज है इसकी हम अगर सेवा करेंगे तो हम पार उतर जाएंगे। तो आपने ये 18 एकड़ जमीन देके यहाँ नई गौशाला, जैसे राजपाल जी ने बताया, नई गौशाला का मतलब ये है कि इस गौशाला में आप अगर गौओं की नस्ल सुधार का काम शुरू कर दो। मैंने ऐसी ऐसी गौ भी देखी, अभी साल भर पहले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गया था, 3 गौ खड़ी थी और वह नहीं थी जो अंग्रेजी नहीं थी, साहिवाल थी, हरियाणा नस्ल थी और एक राठी। ये 3 नस्ल की गौएं मेरे को दिखाई उन वैज्ञानिकों ने, एक को बोले जी चौधरी साहब ये तो 21 किलो दूध दे, और फिर दूसरी थी एक साहिवाल की उन्हें बोले ये 23 किलो दूध देती है। तो भाई जो हम हॉस्टन और ये फ्रीजन ये जो जर्सी गाय की बात करते थे, हमने हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी गवों की नस्ल में इतना सुधार कर दिया। लेकिन मैं उन ननियों को था मखा ये 21 किलो आड़े यूनिवर्सिटी में देगी, किसी के घर जाए पाछे भी देगी। तो मैंने उनको ये कहा कि इसको भेजो, और मैं आपको भी ये कहने आया हूं कि अगर नौरथा के अंदर ये गौशाला एक आदर्श गौशाला बनना चाहती है या आप उसको आदर्श गौशाला बनाना चाहते हो तो यहां भी ऐसी ऐसी गौएं हों जो 15-15 20-20 25-25 किलो दूध देने वाली हों। हाँ दूसरी तरफ जो बीमार हैं, जो लंगड़ी हैं लूली हैं, उनकी सेवा करने का भी उतना ही मादा हो। तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, इतना आप उनसे इतना पैसा आपकी गौशाला को मिलेगा कि आप हर चीज वहीं से पूरी कर सकोगे। फिर किसी को ये नहीं होगा कि फलाना मंत्री आया था और थोड़े दे गया, फलाना आया था वो तो बिना दिए चला गया। ये सिर्फ बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी सोच को बदलो, और मैं ये मानता हूं कि अगर नई सोच के साथ
इस गौशाला को चलाओगे तो ये जो छोरा हाथ खड़े करे था इसने सुनाने लग रहा हूं, आगे इलेक्शन होंगे, मेरा नहीं कौन तो जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन मैं 4 साल तक पक्का हूं, आए साल बुला लियो, 11 लाख तो आए साल दिए जाऊंगा। मेरी कुर्सी पक्की है क्योंकि मैं राज्यसभा का मेंबर हूं और आपके बीच में आज कह के जा रहा हूं। मैं मुडलाना भी क्या गया था, दोनों गांव एक के दिन बुला लियो, 11 तुमने दे दूंगा, 11 उसने दे दूंगा। मैंने कौन से छोरी ब्याहने आगे वो पीछे मैंने घर रखने। तो भाई आप, और फिर ये भी है, 1 साल पाछा आके देख भी लूंगा कुछ बढ़िया है काम अग नहीं बढ़िया, अभी तो चाह है नया नया, तो आपका चाह कदे चाह पूरा हो जाए फिर माठे चालन लग जाओ, इवन्यू कहीं बनाओगे, बढ़िया बनाओगे, बहुत अच्छी बात। तो एक बात तो ये थी, एक आपने ये जो समर्सिबल ट्यूबवेल है ये लगवाने की बात करी थी, तो भाई इसका पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि सरकारी तौर पे लग जाए, लेकिन कृष्ण पवार ने अपने 11 लाख तो दे दिए शेड खातर, तो किसी और सेठ जी ने पकड़ांगे कि भाई हमारी गौशाला में लगवा दे। हाँ हाँ, ये कर दिए ना, ना ना ऐसी बात नहीं करते, बतेरे सबसे बड़ा लोहार हूं मैं। हाँ, और दूसरी बात, आज किसान सम्मेलन के रूप में आप यहां आए, भाई पवार जी आपके हल्के के हैं, मंत्री हैं और 5 बार के एमएलए हैं, और महिपाल डांडा ये शहरी एमएलए का मतलब शहर की वोट गणी है, गामा की थोड़ी है, तो इसका तो सूत बैठा रहेगा, यो तो जीतते जाओगा, मैंने बता दिया आज। इव तमने कहोगे कि यो जीतेगा किस तरह भाई, क्यों कह के जा रहा है, मैंने 13 इलेक्शन लड़ लिए, मैं अपने हल्के में इव 13 इलेक्शन, 12 तो मैंने अपने लड़े, और एक मेरी धर्म पत्नी का जो इस महिपाल डांडा की इस पवार की बुआ है, देखो एक मिनट सुनो, इतना रागड़ी सुनने में स्वाद नहीं आओगे, इतना मेरा लेक्चर सुनने में स्वाद आओगे, और तुमने न्यू लागता हो कि ये नाटेंगे तो दोनों ने खड़ा करके हां भरवा दूंगा मारी बुआ है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिसने 13 इलेक्शन लड़ लिए हो, वैसे तो पंडित लोग जो होते ना ब्राह्मण ज्योतिषी तो वो बढ़िया होते हैं, हाथ देखेंगे, माथे की लकीर देख के बता देंगे, लेकिन मैं राजनीति का ज्योतिषी हूं, जाट राजनीति का ज्योतिषी तो बन सके, हाथ देखने वाला तो बन नहीं सकता। तो भाई कोई बोले जी आप किस तरह पिछाड़ो हो, मैं हाथ मिला के बता दूंगा कि वो मेरी वोट देगा कि नहीं। ने बोले किस तरह, मखा जिसने देनी है ना वोट वो तो आवेगा और हाथ भी मिलाओगा, और जिसने नहीं देनी वो गणा करड़ा होकर न्यू करके हाथ मिलाओगा, मखा टाड़ इसकी। हाँ, और कोई थोड़ा सा हाथ का डगांगली आंगली पकड़ा होगा, मैं यू भी गया। तो ऐसे ही होता है, यानी आदमी तजर्बे से सीखता है। तो भाई मेरे जो ये साथी हैं कृष्ण पवार, और हम तो इकट्ठे भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, मंत्री भी मैं रहा, ये भी रहा, इसको चौटाला साहब ने पढ़ने नहीं दिया, मैं किसे थे मन ना बढ़ाओ तो किसी के बस नहीं चाले, मैं तो पढ़ूंगा। हाँ, और
आज भी आपको ये बता के जाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें हम 26 बड़े मंत्री हैं। 26 बड़े मंत्रियों में आपका ये भाई तो के तो मैं कहीं का ताऊ लागू हूं और कहीं का दादा लागू हूं, तो आपका ये ताऊ और ये दादा जो है ये देश के 26 मंत्रियों में नरेंद्र भाई मोदी ने मुझे शामिल किया। अब मैं बताता हूं कि छोटू राम क्या थे, जिसको हमारे दूसरे साथियों ने भी बताया। जब मेरे को मंत्रिमंडल में न्योता दिया तो प्रधानमंत्री ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि आप 10 बजे मेरे साथ प्रधानमंत्री निवास स्थान पे आओ। मैंने निबेरा था कि मुझे मंत्री बनाने के लिए बुला रहे हैं, मैं चला गया। तो कहने लगे भाई वीरेंद्र सिंह, मैंने कहा जी आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैं कहा पढ़ाई के तो पूरा है, मैं कहा कोई खास बात नहीं, जो होती है उससे भी घना हूं, लेकिन मैं पढ़ाने में कड़े औड़ भी हूं राजनीति में। और दूसरी बात, कहने लगे कितने साल से राजनीति में हो, ये जब तुम सारे बैठे हो ना जो रागणी सुनने वाले हैं उनके तो बाप भी पैदा नहीं होंगे, मैंने तो 1972 में पहला चुनाव लड़ लिया था। 72 अजीब कौन सा है, 46 साल हो गए इस धंधे में। तो कहने लगे आप इतने पुराने हो, मैंने कहा हाँ। तो प्रधानमंत्री जी को ये नहीं पता था कि मैं दीन बंधु छोटू राम जी का पुत्री का उनकी बेटी का लड़का हूं। वो मेरे को इस तरह जानते थे कि मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा लीडर हूं और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमेटी है उसका सदस्य हूं। तो मेरे से जब पूछने लगे तो कहने लगे आपको 42 साल हो गए, 40 तो ये वो है ना, मैं तो 4 साल पहला की बताऊं, 42 साल हो गए आपको राजनीति में, मैंने कहा हाँ जी। और मैंने कहा मैंने अपनी 42 साल की राजनीति में 4 तो मुख्यमंत्री बनाए अपनी कलम से, और टिकट पिकट तो बिरा नहीं किस किस को दिए हैं, तो उनका तो घाटा ही नहीं। लेकिन मेरे को नींद रात में आराम से आती है। कहने लगे क्यों, मैंने कहा मैंने कोई ठगी नहीं करी। ना तो आदमी ठगी कर रहा हो तो रात ने भी उधड़क के पड़े आगे पुलिस वाले पकड़ेंगे, तेरी शिकायत कर दी वो कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात मैंने कही तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ, और जी तो मेरा भी करे है। मैं कहा कहीं पे मन मचलता है ये दुनिया करने लग रही मन ने के, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे बड़ों पे बात जाएगी, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। यूँ कहेंगे ये छोटू राम का दोता है, इसने भी ये भी डूब गया। तो कहने लगे आप छोटू राम जी के द्योते हो, मैंने कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने बात सुनाई, कहने लगे कि मैं आज से 20 साल पहले अपनी पार्टी का जब इंचार्ज था हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ का, तो दिल्ली से जब मैं हरियाणा और पंजाब में जाने के लिए आता था तो अपनी पार्टी के नेताओं से पूछता था कि जी मैं हरियाणा पंजाब जा रहा हूँ, कोई मेरे लिए कोई संदेश हो कोई बात हो कहनी हो तो वो बता दो। तो मेरे पार्टी के नेता ये कहते थे भाई जिस गांव में भी जावे 5-4 बार छोटू राम का नाम जरूर ले देना। मैंने अपने नेताओं से कहा अजी ले तो दूंगा लेकिन कोई बात होगी जिब्बे दो, नहीं बोला बात भी ना हो तो ना अपने लेक्चर में नाम लेना है। तो आप अंदाजा लगाओ कि कितना बड़ा आदमी था छोटू राम, जिसके बारे में देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं। और वो आएंगे 9 तारीख को, उनकी 64 फुट ऊंची जो मूर्ति बनी है और जिसको देश के सबसे बड़े मूर्तिकार ने बनाया है राम सुतार ने, जो पद्म विभूषण है, उस मूर्ति का अनावरण करेंगे और जन जन समूह को संबोधित करेंगे। मेरे मैं कल हिसार में जिस तरह आप बैठे इसी तरह मीटिंग थी, तो एक बोला ने बोला चौधरी साहब कितनी ऊंची है मूर्ति, में कहा 64 फुट। तो आज मेरे को
सरकारी टेलीफोन आया जब मैं दिल्ली से चला, ने बोले जी वह तो 64 नहीं है 65 है। मखा भाई होगी हमारी गिनती में कमी रह रही होगी। तो एक आदमी बोला मेरे साथ था, ने बोला नहीं बड़े लोगों की तो मूर्ति भी बच जाए। हाँ ये मैं ये नहीं कहता, मैं तो मानता नहीं इन चीजों ने, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये विश्वास की बात। उसी आदमी ने ये कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति इससे 3 गुना ऊंची होगी। चौधरी साहब को ऐसा काम कर दो ना अपनी भी उससे उतनी हो जा। मैं बोला अरे मैंने कहा उस 3 गुना ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अनावरण करेंगे, और छोटू राम की मूर्ति का भी जो 64 फुट ऊंची है उसका भी वही अनावरण करेंगे, तो दोनों बराबर है। आदमी जो अनावरण करता है वो कितना बड़ा है, मूर्ति छोटी बड़ी होने की बात नहीं। तो इसलिए इतने महान आदमी की ये जो नौजवान बच्चे ये नहीं जानते। ये हाल था अपना आज से 80-90 साल पहले, जब वो आदमी लड़ाई लड़ रहा था तारी, यानी तुमने गाना सुना है आजकल के तो सुनते हो गए, ये एक गाना आज से 106 साल पहले बना था, पंजाबी का गाना है, कभी सुनना आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना बड़ा अत्याचार होता था। वो गाना था पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, फसल पकी तो ले गए जालिम तेरी नेक कमाई, ये थी तुम्हारी हस्ती। उस आदमी ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं मेरे किसान की रक्षा करने के लिए अपनी जान भी दूंगा। 17 लाख हेक्टेयर, 2.5 किले का 1 हेक्टेयर हुआ है, 17 × 34 अरब, आधा 17 का 8.5, 34 और 8.5 42 लाख एकड़ भूमि जो गरीब किसान की गिरवी रखी हुई थी साहूकारों के पास, एक कलम से वो किसान की होगी, इसलिए आज उसको लोग मानते हैं। ना तो वो तो कदे प्रधानमंत्री भी नहीं बने, वो तो कभी उप प्रधानमंत्री भी नहीं बने, और तो और कभी मुख्यमंत्री तक नहीं बने, लेकिन 75 साल हो गए उनके स्वर्गवास हुए, आज भी किसान के मन में ये है कि अगर कुछ कर गया तो वो कर गया, वरना हमारी कुछ हम कहीं सफाए हस्ती पे होते नहीं। मैं एक मिसाल दे के आपको बताता हूँ कि उसके काम आज भी लोग कैसे याद करते हैं। आज से 10 साल पहले की बात है, मैं हरियाणा में मंत्री होता था, मेरे पास एक टेलीफोन आया, और वो टेलीफोन था पाकिस्तान के एक हॉकी के खिलाड़ी का, जो अपने देश में दिल्ली में विश्व चैंपियनशिप हो रही थी हॉकी की, तो पाकिस्तान की टीम यहां आई हुई थी। वो नौजवान कहने लगा जी मेरा नाम हसन खान है, मैं पाकिस्तान की हॉकी की टीम का प्लेयर हूं, और मेरा छोटा भाई भी मैं 23 साल का हूं, मेरा भाई 20 साल का, हम दोनों पाकिस्तान की हॉकी की टीम में हैं। हम जब अपने गांव से चले, जब हमारे को कहा गया कि तुम दिल्ली में 8 दिन जो विश्व चैंपियनशिप है उसमें खेलोगे, तो हम जब दोनों भाई चलने लगे तो मेरा दादा, हम दोनों भाइयों को बुलाया उसने, 76 साल की उम्र थी मेरे दादा की। मेरा दादा क्या बोलता है, कह रहे बेटे तुम दिल्ली जा रहे हो, तुम्हारे को अगर मौका मिल जाए दिल्ली से 40 मील पे छोटू राम पैदा हुआ था गढ़ी सांपला गांव में, अगर मौका मिल जाए तो एक बार उस धरती को सलाम करके आना जहां वो पैदा हुआ था। वो जो नवा जो जवान लड़के थे तारे जिसे, बोले दादा हम चाले तो जाएंगे लेकिन नाम थे तो न्यू लागे है कि यो मुसलमान तो है नहीं, तो हिंदू का नाम है। नहीं बोले हाँ, अरे नहीं बोले तुमने क्या पता, मेरे पास वो अपना उसका दादा कहता है हम 60 एकड़ के मालिक थे, सारी की सारी धरती गहने धरी हुई थी,
और उसके उसके कानून ने वो धरती को हमारे को उल्टा करवा दिया। आज तुम पाकिस्तान की टीम में जो खेलो, अगर धरती तारी नहीं होती तो तुमने कोई खेल के मैदान में नहीं बढ़ने देता, टीम की तो बात छोड़ो। और मैं भी अगर मैं आज अपने आप को किसान मानता हूं और तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे पोते हो, तो उस आदमी की वजह से हो। अगर वो नहीं होता तो तुम घसियारे होते, तुम किसान खिलाने वाले नहीं होते। इतना सम्मान पाकिस्तान के अंदर आज भी उस महापुरुष के लिए। तो भाई देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जहां वो पैदा हुए थे उस मूर्ति का अनावरण करने आएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसान में कमी कब रहती है, जब हम बंट जाते हैं। कभी जात पात में बंट गए, कभी गोतनात में बंट गए, कभी धर्म के हिसाब से बंट गए। और तो और किसान यूनियन की भी 20 किलोमीटर पे आड़ गंडे की बात है, 20 किलोमीटर पे बाजरे की बात आ जाएगी, आगे सूरजमुखी की आ जाएगी। किसान की भी सारी जो चीजें हैं वो एक नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बट जाता है। और आप अगर इसी मन मान लो कि हमने हरियाणा के किसानों को लाखों की संख्या में मोदी भाई को वहां दिखा देना है कि हमारे हकों के प्रति हम जागरूक हैं, आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, किसान के बारे में भी आपकी सोच है, तो वहां जितनी बड़ी संख्या में आ सकोगे हरियाणा का भविष्य उसी तरीके से बदलेगा। और प्रधानमंत्री के मन में इस हरियाणा के किसान को सबसे बड़ी एक बात उसके मन में आएगी कि छोटू राम के विचारों से आज भी हरियाणा का नौजवान किसान भी प्रभावित है। इसलिए उनके मन में छोटू राम की जहां इज्जत बढ़ेगी, उनके लिए जो श्रद्धा बढ़ेगी, वहां आपके लिए भी उनके मन में कुछ नई सोच पैदा होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप आएंगे तो एक ऐतिहासिक बात होगी और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो मैं तो आपसे हाथ जोड़ के ये कहने आया हूं, ये मौके बार बार नहीं आते। एक ऐसा मौका जिसमें हमारे हम अपनी एकता का प्रदर्शन कर दें, एक होने का प्रदर्शन कर दें, तो उस राज्य के भाग बदल जाते हैं, उस राज्य की व्यवस्था बदल जाती है, उस राज्य के काम बदल जाते हैं, उस राज्य की सोच बदल जाती है। और प्रधानमंत्री हरियाणा के लिए बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, तो आपसे तो मैं यही कहने आया हूं। और आपने यहां इतनी बड़ी संख्या में आए, इस गौशाला की भी सेवा की, अभी बता रहे थे कि 70 लाख रुपए तो इस राणा गांव ने 70 लाख रुपए दिए। तो भाई ठाडे तो हो तम, इसमें तो कोई रोड़ा नहीं, लेकिन कहीं कहीं और ठाडा पड़ अपना तो और भी रोड़ा है ना, कोई अच्छा काम छिड़ भी जा। अब मैं जगह जगह को मखा इन बैंकों से पीछे ले लो कर्जा ले लो बैंकों से, तो कई छोरे मिले, गया था जी फिर कागज दिखाओ, मैंने कागज भी पूरे कर दिए, फिर गया था फिर भी नहीं, बोला यार रहेगी, मैं तो चार चक्कर मारे, पांचवी बोले भाई तेरा तो केस पूरा नहीं है, तो मेरे पे तो उठी नहीं जी। मैं तो कहा भाई मैनेजर साहब तेरी मर्जी, हमारे धरती है अपने आप खा कमा लेंगे, या जो बरोड़ है इसको छोड़ दो, ये जो दूसरे हैं ये तो 50 बजावे हैं, और क्या उनमें भी नाट जागा ना उनने कोई, फिर भी कहते कोई बात नहीं जी फिर आ जाओगे, सीख लो यारो कुछ सीख लो। यही कहते थे छोटू राम जी, यही कहते थे क्या भोले किसान, दो बात मेरी मान ले, एक बोलना ले सीख और एक दुश्मन को पहचान ले। धन्यवाद, जय हिंद।